इंदौर जिले में माफियाओं के नाम पर अब एक नाम और जुड़ चुका है। इंदौर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से भू माफिया, राशन माफिया और ड्रग्स माफिया और गुंडे, जो गुंडे तत्व हैं, उन पे कार्रवाई के बाद अब एक नए माफिया पे कार्रवाई की है। इसके पहले इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया था कि अब ऐसे माफियाओं को चिन्हित करना पड़ेगा जिन लोगों से यहाँ पर जो लोग धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, जिन पर यहाँ पर 420 का मामला सीधा सीधा बनता है, उन माफियाओं को अब चिन्हित किया जाएगा। और उसी में अब एक नए माफिया का नाम जुड़ चुका है, खाद माफिया। जी हाँ, ये खाद माफिया वो होते हैं जो नकली खाद और नकली बीज बनाकर उनको सप्लाई करते हैं, जिसमें सीधे सीधे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का केस बनता है, धोखाधड़ी लोगों से की जाती है। इसमें सीधा जो नुकसान होता है वो किसानों को होता है, क्योंकि जो किसान होते हैं इन खाद माफियाओं से जुड़े हुए होते हैं, जहां से ये बीज भी खरीदते हैं और खाद भी खरीदते हैं। उसी कड़ी में इंदौर जिला प्रशासन ने कल लसुड़िया क्षेत्र में दो गोदामों पर कार्रवाई की, जिसमें नकली बीज और नकली खाद बरामद किए थे। और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो इंदौर जिला कलेक्टर ने उन दोनों खाद माफियाओं पर कार्रवाई की। हम आपको नाम बताते हैं जहां पर कार्रवाई होती। नेचर एग्रो एंड केयर एंड रिसर्च लिमिटेड जो कंपनी है, एक उस पर कार्रवाई की थी, और उसके बाद इजी केयर कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, इन दोनों पर कार्रवाई की थी। दोनों के प्रोप्राइटर हैं, एक के प्रोप्राइटर है योगेंद्र सिंह और दूसरे के शैलेंद्र पाटीदार। इन दोनों पर इंदौर जिला प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई की है। आज ही दोनों पर रासुका लगाई गई है और इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो ये माफिया हैं, इनमें कई ऐसे माफिया भी हैं जिनका नाम अभी जुड़ना बाकी है, लेकिन अब धीरे धीरे इन माफियाओं पर इंदौर जिला प्रशासन और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का यहाँ पर शिकंजा कसते जाएगा और इन पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।